हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। प्यारे साथियों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर आप जानते हैं, नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा बहुत कुछ, टेंथ में भी पढ़ेंगे। अब तो ज़्यादा डिटेल तो बताना नहीं, क्योंकि आप बचपन में पढ़े हो, नाइन्थ में भी पढ़े हो, तो फिलहाल कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जो तो आपको समझने लायक है। जैसे कि इसमें भुज और कोटि, ये दो चीज़ें हैं बहुत ही बेसिक, इन्हें आपको जान लीजिए, जिसे इंग्लिश में बड़ा अजीब टाइप का होता है। मैं लिख तो दे रहा हूँ, आप देख क्या पढ़ते हैं, पढ़ के बताए सीखा, शायद ऐसे कुछ बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये क्या है, कैसे समझते हैं, जरा ध्यान से पहले समझ लीजिए, फिर किताबी भाषा भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी। देखना, जैसे कोई निर्देशांक दिया है 5.7, जो दो गिनती होती है उसमें एक यक्स का मान होता है, दूसरा क्या होता है, वाई का मान होता है। तो बस यही पूरी कहानी है। इसमें जो यक्स का मान होता है इसे भुज बोलते हैं, जो वाई का मान होता है इसे कोटि बोलते हैं। ध्यान देना, छोटी का मंत्रा रहेगा, इसे कोटि नहीं, नहीं तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो भुज और कोटि का मतलब यही हुआ। और इसे पूरे को निर्देशांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे 5.7 क्या है, ये निर्देशांक बिंदु है। अभी आप आगे पढ़ोगे कहानी तो समझ में आएगी, ठीक है। किसी निर्देशांक बिंदु यक्ष अक्ष वाले मान को भुज, किसी निर्देशांक बिंदु के यक्ष अक्ष वाले मान को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ये कहानी समझ गए हो, चलिए आगे बढ़ते। कुछ लोग कहेंगे इसको तो मुझे लिखने ही नहीं था भैया, इसमें लिखने का कुछ था ही नहीं था तुम्हें, मैं कुछ लिखने वाला ऐसा था ही नहीं, लिखोगे क्या, देखना आप समझना आगे कहानी क्या है। हाँ, अगला इसमें पॉइंट है मूल बिंदु, ये भी हेडिंग लिखिए, आप लिख लीजिए, मैं लिखता हूँ तो समय के लिए टाइम देता हूँ, आप चाहो तो लिख, जिसे ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये, मूल बिंदु जिसे ओरिजिन बोलते हैं, समझिए ये क्या होता है। मूल बिंदु का मतलब होता है जहाँ से दोनों अक्ष जैसे एक्स और वाई स्टार्ट होते हैं, वही मूल बिंदु होता है। जैसे अगर हम ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट बनता है इसमें, तो इसमें ये क्या मूल बिंदु जिसका मान 0 0 होता है, ओरिजिन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 0, ठीक है, समझ गए ना, मूल बिंदु यही होता है। मूल बिंदु नहीं पूछता कभी क्या होता है, ये पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। याद रहे, मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, बस। इसके बाद प्यारे बच्चों, अब हम अपने जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो चैप्टर में प्रवेश करते हैं, एक्सरसाइज 7.1। ध्यान से देखना, किताब खोल लो। कह रहा है क्वेश्चन कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात है, क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं दिखा चल रहा हूँ, ये NCERT वाली किताब है, NCERT जो आप देखोगे यूपी बोर्ड, CBSE या बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सबके लिए होती है, ये किसी के लिए खास नहीं है, ठीक है। ये आपका नेशनल लेवल का जो पैटर्न होता है वही है। कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हो कॉम्पिटिशन, तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ सीखना है आपको। एक चीज़ और समझ लीजिए, जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, अन्य बोर्ड के हैं, कहेंगे हमारे में तो NCERT लगती नहीं, देखिए आपका जो पाठ्यक्रम है ना बच्चा, बोर्ड का पाठ्यक्रम आपका NCERT ही, भले आप प्राइवेट किताबें लिए हो तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा दिया होगा, कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी, कुछ कम होंगी, बस बाकी रहता है पैटर्न वही, ठीक है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन बोलो है यही कि नहीं है, सही है। अच्छा, 10 वाले बच्चे 7.1 खोल लीजिए, एक्सरसाइज 7.1,
फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है ना। इस मीडियम वालों में थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है, बस यही ना। देखिए तो बच्चा आप सबसे पहले यहाँ पे सूत्र लिखो, लिखिए दो बिंदुओं के बीच बराबर। ये सिंपल सा सूत्र है, इसे याद नहीं करना, मैं बता देता हूँ, याद रहे बच्चा। यक्स टू माइनस यक्स वन, याद रहे ना बस। यानी आपको पहले वाले कोष्ठक में यक्स ही लिखना है, पहले टू फिर वन। कुछ लोग वन और टू भी लिख लेते हैं सीरियल में, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही होता है। पहले आप टू लिख लो फिर वन लिख लो, तब भी सही होगा। लेकिन ध्यान रहे बीच वाला चिन्ह हमेशा प्लस रहे, ठीक है। ये होता है होल स्क्वायर, बस यही सूत्र होता है, और कुछ होता नहीं है, यही सूत्र। इसको कैसे क्वेश्चन में जामा पहनाते हैं जरा ध्यान देना। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो क्या दिया है, तो बिंदु दिए गए हैं दो तीन और चार एक। ये क्या है, ये दो बिंदु आपको दिए गए हैं। इन मानों को इस फार्मूले में रख करके उत्तर निकालना है, बहुत आसान है, समझिए। कमेंट के पीछे ना पढ़ो, चुन्नू मुन्नू सबका कमेंट आ रहा, मैं देख रहा हूँ। कमेंट के पीछे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ पढ़ाई करो ईमानदारी से, सिर्फ पढ़ाई। कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन अभी पढ़ाई करिए, डिस्टर्ब नहीं। तो बच्चा जो ये पहला मान होता बेटा, हमेशा मैंने बताया एक यक्स का मान होता है एक वाई का। तो चूंकि दो बिंदु है, ये यक्स वन हो जाएगा और ये वाई वन हो जाएगा। ध्यान रहे एक यक्स वन एक वाई वन, हाँ, जैसे एक राधा तो एक कृष्ण, हाँ, एक सीता तो एक राम, एक यक्स टू एक वाई टू, समझ रहे हो ना। ऐसे ही इनका हम क्या करते हैं, मान लेकर के इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर यक्स टू है, अब आगे थोड़ा जगह कम है, इसलिए हम इधर साइड करेंगे, फार्मूले में मान रखेंगे। यक्स टू का मान बोलो जल्दी का, अरे नकल करके बता दो, अकल लगा लो थोड़ा सा ना, ये दिख नहीं रहा है ना सामने भाई साहब। यहाँ से यक्स टू का मान चार है, माइनस यक्स वन का स्क्वायर, एक्स वन मतलब दो का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस वाई टू, वाई टू का मान क्या है वन है, और वाई वन यानी कि थ्री है, वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर। इतना क्लियर, कोई डाउट नहीं। फोर से टू जाएगा तो टू आएगा, ये टू का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जब इसे हम उल्टा घटाएंगे, आप सबको पता होगा बच्चा, जब वन से थ्री को सबट्रैक करोगे माइनस दो आएगा, क्लियर। तो इस तरह से ये हो जाएगा चार, और ये हो जाएगा क्या, ये भी चार हो जाएगा, और जुड़ेगा दोनों अंदर में तो आठ हो जाएगा। फाइनल में क्या हो जाएगा, अंडर रूट आठ, और आठ का जो वर्गमूल होता है सिस्टम से आप निकालोगे तो इतना, यही आंसर हो गया। इतना आसान है ना, किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए इसे फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया बेटा, वो बहुत आसान है, माइनस पाँच सात है, ध्यान देना और मुझे बताना कर लोगे कि नहीं। माइनस वन और थ्री, जैसे मैंने इन मानों को रखा ऐसे आप रख लोगे कि नहीं, बोलो कर लोगे कि नहीं, हो जाएगा, कमेंट तो करो, काहे डर रहे हो, ट्राई करना, नहीं ट्राई कर पाओगे मैं बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, PBR स्टडी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे किस तरह की फ्री क्लास देख पाएं, रोज सुबह 5 बजे वीडियो आ जाता है। अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो PBR स्टडी को फॉलो जरूर करें, और क्लास को लाइक करना तो कतई नहीं भूलना। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया था, सेकेंड पार्ट आप देखें, क्लास को एंड तक देखना, बहुत ही दिल लगा के देखना। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि दो बिंदु कैसे निकालते हैं,
अगर आपने नहीं देखा था तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से उसे देख लीजिएगा। कोई प्रकार की अगर आपको इंक्वायरी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करिएगा। चलिए, ये दूरी निकालने का सूत्र होता है। अगर कोई दो निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं तो आप इनकी सहायता से इनके बीच निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका सेकंड पार्ट ये, बिंदु दिया गया है के बीच की हम दूरी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा यक्स वन वाई वन, का मान हो जाएगा यक्स टू वाई टू। ध्यान देना, मान इसमें लाके सारे रख देंगे। एक्स टू का मान क्या रखेंगे? माइनस वन, और माइनस एक्स वन का मान रखेंगे। देखो बेटा यहाँ ध्यान देना, माइनस पाँच है, बीच में सूत्र में माइनस है, ठीक है, लेकिन इसका मान भी क्या है, माइनस ऐसे कुछ है। तो हमें इसको एडजस्ट करना है, इसलिए हम ये बड़ा कोष्ठक समझते। चलो एक्स टू का मान क्या था? माइनस वन था। तो हम क्या करेंगे, इसको एक कोष्ठक में और बंद कर भाई, थोड़ा अच्छा गंदा ये ऐसा इसलिए लगा रहे हैं जिससे अंतर थोड़ा सा। और एक चीज़ और समझ, ये बाहर से कोष्ठक लगेगा, स्क्वायर अंदर में मत लग। अगला देखो वाई टू, वाई टू का मान तीन है और माइनस वाई वन, वाई वन का मान सात है, तो जो प्लस है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस घट जाएगा तब भी ये प्लस में ही आएगा फोर, यानी फोर का स्क्वायर बचेगा और ये माइनस फोर का स्क्वायर बचेगा। जरा ध्यान से समझना, ये चार चौका सोलह हो जाएगा और ये भी सोलह हो जाएगा, दोनों फाइनल में बत्तीस हो जाएंगे। और जब बत्तीस का आप वर्गमूल निकालोगे, आप सबको पता है कितना आएगा, आगे निकाल के मुझे बता दो, फोर इंटू टू आएगा ना, कर लेना और फिर मुझे। इस तरह से आपका सेकंड नंबर पार्ट भी हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए और क्लास को लाइक नहीं करे तुरंत कर दो बाबू फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जिससे फ्री पढ़ सको घर बैठे तुरंत। अगला इसका तीसरा पार्ट देखिए, और तीसरा पार्ट करने के बाद आपका ये कुछ कंप्लीट हो गया, एंड हो गया, ठीक है। क्लास टेंथ की एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 की एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, ए बी और माइनस ए माइनस बी क्या करना है हमें, ये सूत्र होता है कि आपके सामने। इसमें क्या करते हैं बच्चा, तो यक्स वन मानेंगे वाई वन, ध्यान देना, ये यक्स टू वाई टू मान रख दीजिए। एक्स टू का मान माइनस माइनस एक्स वन, वन का मान क्या है यहाँ से, और ये होल स्क्वायर वाई टू, वाई टू का मान माइनस और माइनस वाई वन, वाई वन का मान यहाँ से क्या है प्लस बी। तो ध्यान देना, बीच में माइनस था इसलिए मैंने माइनस लगाया और बी की जगह पे बी, ये होल स्क्वायर। बस कहानी, ये जुड़ जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए का जब होल स्क्वायर करोगे तो फोर ए का स्क्वायर, और ये भी माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये फोर बी का होल स्क्वायर, और कुछ तो मुझे नहीं लगता कि होगा। अगर कुछ लग रहा है तो बता दो आप। अब ये जुड़ेगा नहीं कभी भी, इनमें एक काम हो सकता है, फोर कॉमन हो सकता है, तो ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर बन सकता है, ए का स्क्वायर है देन बी का स्क्वायर है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यानी फाइनल आंसर आपके सामने है। अब देखो थोड़ा सा अगला स्टेप, जैसे दूरी ही निकालना था, इतना कुछ करना जरूरी नहीं, आप इसे सीधा सीधा छोड़ दो जैसे था, बस कुछ मत करो, ये भी ना करो, इसे सीधा सीधा छोड़ दीजिए। हमने क्या किया, इसमें फोर कॉमन ले लिया, ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर ये बच रहा है, तो ऐसे हम छोड़ देंगे बस। ऐसे क्यों छोड़ देंगे आपको पता है, ऊपर तो वर्गमूल लगा है, आप इसको ऐसे आंसर छोड़ सकते हो। एक स्टेप अगर चाहो तो और कर लो, लेकिन जो हम इसको होल स्क्वायर कर रहे थे ऐसा कुछ करना है, सिर्फ दूरी निकालना, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा इसे और आसान शब्दों में कर दीजिए। आप एक काम और कर सकते हो, ऊपर लाइन में मैं यहाँ लिखूँ, मगर तब
हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, समझना, 4 इंटू ए का स्क्वायर धन करनी हो, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल नहीं निकल, ये ऐसे ही रहेगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बता, जल्दी करिए, हो गया डन। कमेंट करके बताइए अगर कहीं कुछ डाउट है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। कोशिश करने वालों की कभी हार, सही सुन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था, हो सकता है मेरी आवाज़ में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि नया माइक आपका आ रहा, बहुत जल्दी आ जाएगा और आवाज़ एकदम चौचक हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में दिख रहा है, हिंदी में भी दिखेगा, आप परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में दिखेगा, आपको सिर्फ देखना है और समझना है। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप NCERT किताब ले लीजिए। NCERT किताब अगर आप लेके रखेंगे ना, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो मेन NCERT है उसी में से ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे, मुख्य रूप से आपको हिंदी में ही दिखाएंगे, इंग्लिश वाले के लिए भी मैं इंग्लिश में दिखा दूँ। एक्सरसाइज है 7.1, बच्चों निर्देशांक ज्यामिति क्या है भैया? एक्सरसाइज 7.1 है, निर्देशांक ज्यामिति, और क्लास है आपका 10th NCERT मैथ। टाइम ना गंवाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे कम से कम समय में, ठीक है, चले शुरू करें। कह रहा कि बिंदुओं 0.0 और 36.1515 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ये अनुच्छेद क्या है भैया? ये अनुच्छेद मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जरा समझो, यही अनुच्छेद है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना कुछ, इसमें कुछ है नहीं, आपको लिखना है हाँ हम अनुच्छेद 7.2 में दिए गए तारों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको करने के बाद तब इसको करना। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो क्वेश्चन लिखा गया है कि एक शहर बी अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, जो चित्र बना है पहला ना उत्तर पूर्व वाला, इसी है। तो इसको फिलहाल अभी किनारे कर दीजिए और हमारे बातों को आप समझिए, ओके। चलो भाई, तो फिर आ जाओ फटाफट बाबू, जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके मेन टॉपिक पे चलते हैं जो आपको पढ़ना है। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, सबको याद है कैसे देखा था ना, हाँ उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी देखोगे। तो भैया सबको क्वेश्चन दिखाऊं या मैं आगे बढ़ूं? क्वेश्चन सेकंड आप एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, जल्दी देखो, क्लियर। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0.0 एंड 36.1515। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए तो हमें क्या करना है, सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अब हम सोल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं साथियों। आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे साल्व, जो आपके पॉइंट्स दिए गए हैं वो 0.0 दिए गए हैं, और क्या दिया गया है भैया? और दिया गया है बाबू आपका 36.15। यही आपको दिया है मेन, जो आपको लेके चलना है, बाकी इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इसमें लेके रखे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें इम्पॉर्टेंट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 6 है 7 8, ये वैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको आप लोगों को करना है। चलिए इनको हम मान लेंगे, आप लिख लेना चाहे तो माना, इसको ए पॉइंट मान लेंगे, इसको बी पॉइंट मान लेंगे, क्या इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे लेट्स, माना को वो लोग LETS लेट्स लिख, क्लियर, ये कहानी हो गई ना इतनी क्लियर। चलो समझ समझ के करना है, क्वेश्चन हल करने में टाइम नहीं लगता, सिर्फ समझने में समय लगता है, बस हल करने में तो फटाफट। इसके बाद क्या करेंगे पता है? इसके बाद लिखो, अब ए भी निकाल लेंगे भाई, ए भी निकाल लेंगे, फार्मूला वही लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की
दूरी वाला जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपका रहेगा। ठीक है, इसको मान लेंगे एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, इसको आप को कुछ भी मान सकते हो, चाहे इसको एक्स टू वाई टू मानो, इसको एक्स वन वाई वन मानो, चाहे उसको मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो एक्स टू कितना हो गया बेटा, एक्स टू का मान 36 माइनस एक्स वन का मान यहाँ से सुनना होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू का मान यहाँ से 15, वाई वन का मान सुनना होल स्क्वायर। क्लियर, इस तरह से आपका ये 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनल में 36 का जब होल स्क्वायर करोगे साथियों, तो आपको पता है 1296 होगा, 15 का होल स्क्वायर 225 होगा। आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा है ना ये सब। ठीक है, आगे इधर साइड में हल कर लीजिए, यहाँ जगह है नहीं। चलो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1521 लगभग आएगा, और वर्गमूल करना आपको बहुत अच्छे से आता है, इसका आंसर आएगा 39। के लिए आपको वर्ग आना चाहिए बेटा, कहोगे ये 39 कैसे आ गया, 39 तब आता है जब हम 39 को 39 में मल्टीपल करते हैं। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि 39 का होल स्क्वायर जो है वो 1521 होता है। ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा, तब याद रहेगा, याद करके रखना। यानी आपका जो क्या पूछा था क्वेश्चन फिर से चलिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। हो गया, क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सेकंड नंबर, मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा, अभी समझ लीजिए कह क्या रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,1515। हमें डिस्टेंस पहले निकालनी थी, जो कि मैंने निकाल लिया, डिस्टेंस ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 39 क्या आ गई, इकाई आ गई, या यूनिट लिख लेना। ठीक है, इसमें कोई मात्रक नहीं दिया, हिंदी में देखना चाहते हो तो लो हिंदी में भी देख लो क्या कह रहा है, देखो समझो, क्वेश्चन समझो भैया, दिखा दो भाई हिंदी में। कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36 यानी 36,15 याद कीजिए, दूरी मैंने निकाल लिया। अब नीचे लिखिए, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी 39 इकाई है। ये लिख लो, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की 39 यूनिट है या इकाई है। हिंदी में इकाई लिखेंगे, इंग्लिश वाले यूनिट लिखेंगे। ओके, चलिए मैं आगे पूछ रहा था, अब क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सहारों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो दूरी ज्ञात करने को नहीं कहा है, सिर्फ पूछा है कि आप कर सकते हो कि नहीं। देखो अनुच्छेद यही है जो ये कह रहा है, दिखाना आपको कुछ, ये जो कहानी लिखी गई ना, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर ही लिखा गया, जो पहला फिगर बना है इसी के बारे में इसने पूछा है कि एक शहर बी तथा एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, आप शहर बी की ओर उनताल शहर बी की ओर सॉरी आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो यहाँ पर ए बी आपको दिख रहा फिगर में ना भैया, ये 36 किलोमीटर 15 किलोमीटर पूर्व वाला, ये आपको दूरी ज्ञात करना था, तो इसमें लिख दो बस आपकी, हाँ हम ज्ञात कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। नीचे लिखिए, हाँ, हम 7.2 में दिए गए, 7.2 में दिए गए क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, 7.2 में दिए गए दोनों सहारों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ हम 7.2 में दिए गए दोनों सहारों ए और बी के बीच की ज्ञात कर सकते हैं। कर लीजिए, हो गया, मिटाऊं? ठीक है, अब क्वेश्चन तीसरा पे आ जाओ भाई, तीसरा दिखाओ, क्वेश्चन तीसरे पे आ जाइए। देखिए समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, 5-7 मिनट, लेकिन अच्छे से समझना है। 3 और 4 नंबर क्वेश्चन सबसे ऊपर टॉप पे लगा दीजिए, देखिए क्या कहता है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 15 है ना, 1,5, 2,3 एंड -2,1
वन इलेवन डिटरमाइन करना है कि कॉलिनियर है कि नहीं है। आप कहोगे कॉलिनियर कहाँ है, ये कौन सा लफड़ा बता रहे हो इंग्लिश, हिंदी में देखो। निर्धारित करना है ये संरेखी है या नहीं है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाऊंगा साथियों। देखो ये बहुत आसान है, संरेखी के लिए क्या करेंगे ना बाबू, आपको जो बिंदु दिए गए हैं के बीच की आप दूरी निकालो, एक बार नहीं तीन बार निकालोगे। एक बिंदु को ए मान लोगे, पहला को, दूसरे को भी, तीसरे को सी। तो आप एक बार ए बी दूरी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे और फिर ए सी निकालोगे। अगर वो सब बराबर आते हैं तो लिख दोगे कि दिए गए जो बिंदु हैं ये संरेखी हैं, मीन्स कॉलिनियर हैं। डिटरमाइन का मतलब डिटरमाइन करिए, निर्धारित कीजिए। डिटरमाइन का यहाँ मतलब है निर्धारित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। कॉलिनियर में साइड में समझ, एक लाइन बना लो सीधी सीधी। क्या करना है, तीन बिंदु दिए गए, मान लिया कि तीन, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको मान लिया। इनकी जो वैल्यू दी गई है स्क्रीन पे, 1.5 2 हाँ -2 और -1, ये तीन बिंदु दिए गए हैं। करा निर्धारित कीजिए, याद कीजिए, डिटरमाइन कीजिए ये संरेखी। चलो डोंट वरी, लिखिए हिंदी में कुछ बोल रहा हूँ उसे लिखिए। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना बाबू, ठीक है, गूगल से। हाँ हिंदी में लिख लो, तीन बिंदु संरेखी हैं। इसकी जांच के लिए ओ ये चर्चा लिखो, तीन बिंदु संरेखी हैं, संरेखी ये खा है खीर वाला खा। तीन बिंदु संरेखी हैं, इसकी जांच के लिए ए तथा बी, बी तथा सी और लास्ट में ए तथा सी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। ए तथा सी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। अब नीचे लिखिए ए और बी के बीच की, क्वेश्चन में हटा दूंगा अभी, ठीक है, तब दिखेगा ए और के बीच की हटा रहा हूँ क्वेश्चन। ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकलेगा भाई, सीधा सब बात है। कर लो, मैं इधर साइड में हल करूंगा, इधर इसको ऐसे बना रहने दो, अच्छा लग रहा है ना। तो दूरी इसके बीच की निकाल रहे हैं बाबू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर, अंडर रूट लगाएंगे अच्छा सा सुंदर सा, फिर लगाएंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, धन वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। जिनको सूत्र नहीं याद होता ना बाबू, एक चीज समझ लो, आपको यक्स लिखना है पहले ब्रेकेट में, एक टू लगाना है एक वन लगाना है, दूसरे में वाई लिखना है, एक टू लगाना है एक वन लगाना है, और ब्रेकेट में हमेशा चिन्ह माइनस रहेगा याद रखना, बीच में प्लस रहेगा ये भी याद रखना, बस हो गया कहानी खत्म। फिर चलो अब हमें पहले ए बी निकाल रहा हूँ मैं, ए बी तो ये दोनों लेंगे, इसको एक्स वन वाई वन को एक्स टू और y2 मान लीजिए, कोई हर्जा नहीं, मैथ वाले हैं हम, मान के चलते हैं। दाल सब्जी नहीं मिलती तो दाल सब्जी मान के सूखा रोटी खा जाते हैं, हाँ चलो मैंने मान लिया, फिर ये तो है विधिक। तो x2 की जगह पे क्या है, ध्यान दीजिए दो है, और x1 की जगह पे क्या है, वन है, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 की जगह पे यहाँ से देखिए y1 की जगह पे यहाँ 5 है होल स्क्वायर, क्लियर। को घटाएंगे तो 1 का होल स्क्वायर, को घटाएंगे -2 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर तो 4, अंडर रूट रहेगा। अंडर रूट थोड़ा सुंदर सा लगाना इज्जत के साथ ही, इसमें चौका मत निकालना आगे, नहीं गलत है। हाँ बराबर अंडर रूट 5 आएगा, यानी हमें जो ए का मान मिला है भैया, ए बी का मान पहले दो बिंदुओं के बीच
जो मिली है बाबू इनको यहाँ पे लिख लो, अंडर रूट 5 मिला है, वो कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इनको मिटा के इसी की जगह पे मैं दूसरा करूँगा। ध्यान से देखते जाओ, जल्दी करो भाई, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम बहुत देर नहीं देता हूँ। जो साथी हमारे ऐप में देख रहे हैं वो इसे वीडियो को रोक करके लिखे, जो कोई स्क्रीन पे टच करके रोक लें और लिख लें। डन, चलो। सूत्र नहीं मिटाना है, इसी में जुगाड़ लगा लेना है, लेकिन हाँ कॉपी में लिखने वाला हूँ, फिर से लिखो। ये तो मैं बोर्ड पे मिटा रहा हूँ इसलिए नहीं लिख ऐसा कर रहा हूँ, हाँ बाकी कॉपी में लिखना है तो फिर ये मिटाना पड़ेगा। अच्छा चलो, ये भी हो गया बी सी, लिख ये बी और सी के बीच की दूरी, यहाँ पे लिखिए बी सी बराबर, ये सूत्र लिखिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, तीसरा है ना बाबू? हाँ भैया बाबू राजा तीसरा है। आओ चलो, बी और सी, ई एक्स टू एक्स वन जो भी लिखा है इसे ऐसे लिखा रहा है, इसको एक्स वन वाई वन मान लो, कोई हर्जा नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बस देखते रहिएगा, फार्मूले में डायरेक्ट मान रखिए, बाकी कुछ डायरेक्ट मान रखो फटाफट। देखो क्या करना है, यहाँ समझो थोड़ा सा, ये दिया गया ना आपको, जाके मान रख देना सीधा सीधा, भाई हट जाए यार ये। चलो ठीक है, देखो x2 का मान क्या है, अब हमें इससे नहीं मतलब है, याद रखना उसी दोनों से मतलब, x2 का मान 2 है माइनस, x1 का मान क्या है यहाँ से देखना माइनस 2 है, वो माइनस 2 है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, याद रखना। अब क्या होगा, इस पर हम एक दूसरा कोष्ठक लगाएंगे कि हमें इसे अलग दिखाना है, y2 का मान यहाँ से लेना दूसरे वाले से 3 है, y1 का मान यहाँ से देखो तो माइनस का 11 है, ये माइनस का 11। अब दो कोष्ठक ऐसे नहीं लग सकता है, ये बड़ा कोष्ठक या फिर अगला कोष्ठक होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, पे अंडर रूट का चिन्ह लगा था, इसे ऐसे लगा देंगे। आगे समझते चलना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, आवाज़ तो मेरी पर्याप्त है, कोई कमी तो नहीं ना आवाज़ में तू भाई। चलो तो इनको क्या करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दो दो जुड़ के चार हो जाएगा, चार का स्क्वायर करोगे बाबू तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, और प्लस इसको देखो ये भी जुड़ जाएगा तो 11 से 3 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14, 14 का होल स्क्वायर करोगे आपको पता है 196 आएगा। भैया तुम सबको वर्ग याद होना चाहिए, 14 का वर्ग 196 होता है, बोलना नहीं, नहीं तो कहोगे कैसे आ गया, फिर हवा में उड़ेगा। तो जोड़ लोगे 212 आएगा अंडर रूट में, इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा कि जो आप एक पूर्ण संख्या के रूप में, ऐसा कुछ पता नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हो कि बी बराबर अंडर रूट 212, ठीक है, यानी ये कुछ और आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है, इससे तो वैसे अभी निश्चित हो गया कि ये दो तीनों बिंदु संरेख नहीं है, संरेख का मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा में तभी होंगे जब इनके बीच की दूरियां आपस में बराबर होंगी, लेकिन अभी 100% नहीं कह सकते, पहले एसी भी निकाल लो, फिर हम बिल्कुल डंके की चोप पे बोलेंगे कि नहीं है, ठीक है। तो एसी भी निकाल लीजिए इसी तरह से, उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, एसी निकाल लेंगे, नहीं तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। हमने उधर वाले को एक को एक्स वन मान लिया है और एक को x2 मान लिया, उधर साइड में आप देखो एकदम किनारे वाले को, चलिए मान रख देते हैं, और आप लोग मुझे ये बताना कि क्या मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही क्या, नहीं ना, चलिए ठीक है। तो साथियों यहाँ से हम x2 का मान ले लेंगे बाबू, यहाँ पे ला के रख देंगे, और x1 का मान भी यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा, इसका होल प्लस, y2 का मान फिर यहाँ से ले लेंगे, माइनस का 11, माइनस का ये सूत्र वाला माइनस, और ये वाई वन का मान 5 का होल स्क्वायर, इस तरह से फिर ये आगे बढ़ेगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा 16 का स्क्वायर, ये जुड़
स्क्वायर करोगे जुड़ेगा नहीं कहीं, स्क्वायर हो जाएगा नौ हो जाएगा, का स्क्वायर 16 का कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। आपको आना चाहिए 16 का स्क्वायर 256 होता है, फाइनल में हो जाएगा भाई साहब 265। आपको पता है कि एक ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका जो वर्गमूल है वो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी, यानी जो हमारी ए और सी के बीच की अगर दूरी आएगी अंडर रूट 265 है पूरा। आपने यहाँ पे क्या देखा, तीनों अलग अलग आए ना, एक तीरघाट एक मीर। आप इसको नोट करिए स्क्रीन पे, आपको जो दिख रहा है मैं हट गया हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको लिखवाया था, नोट कर लो लिख करके तब रोक करके वीडियो, मैंने लिखवाया था बेटा कि ये संरेख तब होंगे जब इनमें तीनों के बीच दूरी है वो बराबर आएंगी तब। अब नीचे आप लिखो, नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन आपके लिए पूरा खाली छोड़ रहा हूँ, छुपा नहीं रहा हूँ। चलो हो गए होंगे उम्मीद करते हैं, तो मैं सामने आता हूँ, आप वीडियो को रोक करके लिखा करिए जिससे करना हो। ठीक है, आप लिखिए चूंकि ए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ऐसे लिखना है कि ए बी बराबर बी बराबर ए, तो ऐसे काट देना है। इसलिए इसलिए दिए गए ये बिंदु संरेख नहीं है, दिए गए ये बिंदु संरेख नहीं है। क्लियर, कोई डाउट किसी को नहीं? इंग्लिश वाले लिख लेंगे अपना, इंग्लिश में क्वेश्चन उनको दिख ही रहा है। क्या पूछ रहा था, कॉलिनियर ना, कह रहा था डिटरमाइन इफ द पॉइंट आर कॉलिनियर, इफ ना ईच पॉइंट आर नॉट कॉलिनियर। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जरा ध्यान से देखना क्या कहता है। कह रहा है कि चेक वेदर 5, -2 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में देख लीजिए, मैं हिंदी में आऊंगा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन। जांच करना है, चेक करना है कि जो ये बिंदु दी गए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है। बहुत सीधा सा है, पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए बच्चा लोग। जो तीनों बिंदु दी गए हैं इन तीनों के बीच की हम दूरी निकालेंगे, अगर वो दूरियां जो आएंगी उनमें से कोई दो आपस में बराबर हो तो हम लिखेंगे कि दिए गए ये जो शीर्ष हैं समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। अगर तीनों तीरगांव मीरगांव हो गए, मतलब तीनों अलग अलग आ गए, तो लिखेंगे कि नहीं है। चलिए कर लेते हैं, क्वेश्चन मैं स्क्रीन से हटा दूंगा अभी, आप घबराना नहीं है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 7.1, बात पक्की ना? चलो तो साइड में आ जाओ यहाँ। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे बाबू, बात फाइनल। यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी और इसके शीर्ष दिए गए हैं तीनों, वो कुछ इस प्रकार से हैं 5, -2 ए पर है जो कि आपको दिख रहा है 5, -2 ये 2 है याद। अगला जो बिंदु है वो 6, -4 है, मैं दिखाई देता हूँ, देख ए भाई दिख जा 6, -4। और अगला क्या है इसके बाद 7, -2 दिख रहा है, 6, 4 है ये, अगला है 7, ये तीनों बिंदु आपको दिए गए, जरा दिखाइए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, कर लो चलो फटाफट। आप यहाँ पे लिखिए
जो बोलूंगा उसे लिख लेना। हाँ लिखूंगा नहीं, आप लिखिए लिखिए। दिए गए तीनों शीर्षों, या फिर क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, बताता हूँ। कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु जो दिए गए हैं बिंदु सब तीन अलग अलग समद्विबाहु त्रिभुज हैं। हाँ लिखिए, आगे लिखिए। दिए गए तीनों बिंदु आगे लिखो, 5, -2, 6, 4 तथा 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है ये ज्ञात करने के लिए हम ए बी बी सी तथा सी ए ज्ञात करेंगे। यदि इनमें से कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लिख लीजिएगा इन बातों को, वीडियो को पीछे करके लिख लेना, बस इतना सा सारांश है इसका, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं इसमें जो हमें निकालना है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी के बाद बी सी निकालेंगे, बी सी के बाद फिर ए सी निकालेंगे, ठीक है। बात पक्की ना? चलो तो बच्चा ए बी निकालेंगे बाबू, सूत्र वही लगेगा, x2 - x2 - y, ये सूत्र रहेगा, याद रखना, कोई टेंशन ना लेना एक भी पैसे का। आगे बढ़े, अब ऐसे भी मैं बहुत तेज नहीं बोलूंगा, तेज बोलने से अपना ही ए और बी निकालेंगे बेटा, तो इसको x1 मान लो भैया, इसको y1, इसको x2, तो इसको y2। बात पक्की, यहाँ से x2 का मान बोलो क्या है जल्दी से, मान यहाँ पे 6 रखेंगे, क्या है वहाँ से आ जाओ 5, ये 5 y2, तो y2 का मान क्या है, y2 का मान है 4 माइनस ये y1, वहां से ले लो माइनस का 2 है भैया, माइनस का 2 है बाबू, जब ये माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब समझ लो मैं फिर काहे को लिख, एक लाइन और बढ़ जाएगा, एक्चुअली ऐसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा ना, क्योंकि तो जो है वो माइनस में दिया है, इसलिए ऐसे बनेगा, मैंने डायरेक्टली लिख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समय से एक गया, परीक्षे में 5 गया, 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर और प्लस ये 4 - 6 का स्क्वायर। फाइनल में अगर हम बात करें कि √37 आएगा भाई, √37 आएगा बाबू, 37, ठीक है, डन। यानी जो हमारी एक इसमें क्या कमान आया कि √37 आए। इसी प्रकार से हम बी सी और फिर ए सी भी निकाल लेंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, मैं आगे बढ़ूं, देखिए अगला आ सके आपके सामने। चलो भाई जल्दी करो, चुप रो करके स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट नंबर, हाँ ध्यान दीजिए और देखते जाइए फटाफट, जल्दी जल्दी से। देखिए कुछ थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा बाबू, ठीक है, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। मैंने ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालना है, इसको x2 y2 माना है, इसको x1 y1 मान लो, अब इन दोनों को निकालना है। यहाँ पर आप लिखो बी सी, सूत्र वही लगेगा, तो फिर से लिख देता हूँ, अगली बार नहीं लिखो, ये फार्मूला होता है, याद रखना इसको। फिर देखिए x2 का मान बोलो जल्दी से क्या है, तुम्हें बोल दो चाचा, है ना x2 y2, तो x2 का मान 6 है, y2 का मान 4 है, x2 का मान यहाँ से, x1 का मान यहाँ से ले लो 7 है, ब्रैकेट बंद हो, प्लस
वाई टू का मान यहाँ से ले लो 4 है, और माइनस है बीच, वाई वन का मान माइनस 2 है, याद रखना माइनस 2 है, ये भी माइनस है इसलिए प्लस हो जाए, ठीक है। अब इतने बच्चे तो हो नहीं, कक्षा 10 में पहुँचे हो, अगर ये इतना बेसिक नहीं आता है तो आप 0 लेवल देखिए रात 9 बजे, ठीक है, बेसिक वाला। इसके अलावा शाम 5 बजे से 0 लेवल से इंग्लिश का क्लास भी चल रहा है, बिल्कुल शुरू पढ़ो घर बैठे प्यार से, ठीक है, ठीक है। चलो इस तरह से इसको घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको जोड़ दो 4 2 6 स्क्वायर, फाइनल में ये कितना हो जाएगा बाबू, ये 1 और ये 6 का स्क्वायर 36, यानी अंडर रूट 37 आएगा, 37 ये भी आया था, ये भी 37 आया। अगला निकालना ही नहीं, कोई मतलब नहीं निकालने का, क्वेश्चन में कह रहा था क्या, क्या कह रहा था, आगे आ जाओ भाई क्वेश्चन, ए रुक जा, क्वेश्चन कौन सा था, जो भी ये सामने है जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये जो दिए गए हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, मत निकालो तीसरा ऐसे ही लिख दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जरा ध्यान से देखना क्या कहता है, कह रहा है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हिंदी में देख लीजिए, मैं हिंदी में आऊंगा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 and 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन, जांच करना है, चेक करना है कि जो ये बिंदु दी गए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, बहुत सीधा सा है, पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए बच्चा लोग, जो तीनों बिंदु दिए गए हैं इन तीनों के बीच की हम दूरी निकालेंगे, अगर वो दूरियां जो आएंगी उनमें से कोई दो आपस में बराबर हो तो हम लिखेंगे कि दिए गए ये जो शीर्ष हैं समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, अगर तीनों तीरगांव मीरगांव हो गए मतलब तीनों अलग अलग आ गए तो लिखेंगे कि नहीं है। चलिए कर लेते हैं, क्वेश्चन मैं स्क्रीन से हटा दूंगा अभी, आप घबराना नहीं है, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित 7.1, बात पक्की ना, चलो तो साइड में आ जाओ, यहाँ सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे बाबू, बात फाइनल, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी और इसके शीर्ष दिए गए हैं तीनों वो कुछ इस प्रकार से हैं, 5, -2 ए पर है जो कि आपको दिख रहा है, 5, -2 ये 2 है याद, अगला जो बिंदु है वो 6, 4 है, मैं दिखाई देता हूँ, देख ए भाई दिख जा 6, 4 और अगला क्या है इसके बाद 7, -2 ठीक रहा ना, 6, 4 है ये, अगला है 7, ये तीनों बिंदु आपको दिए गए, जरा दिखाइए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, कर लो चलो फटाफट, आप यहाँ पे लिखिए जो बोलूंगा उसे लिख लेना, हाँ लिखूंगा नहीं, आप लिखिए, लिखिए दिए गए तीनों शीर्षों, या फिर क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, बताता हूँ, कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु जो दिए गए हैं बिंदु सब तीन अलग अलग समद्विबाहु त्रिभुज हैं, हाँ लिखिए आगे लिखिए, दिए गए तीनों बिंदु आगे लिखो 5, -2 6, 4 तथा 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है ये ज्ञात करने के लिए हम AB
बीसी तथा सीए ज्ञात करेंगे। यदि इनमें से कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लिख लीजिएगा इन बातों को, वीडियो को पीछे करके लिख लेना, बस इतना सा सारांश है इसका, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं इसमें जो हमें निकालना है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी के बाद बी सी निकालेंगे, बी सी के बाद फिर ए सी निकालेंगे, ठीक है, बात पक्की ना। चलो तो बच्चा ए बी निकालेंगे बाबू, सूत्र वही लगेगा, एक्स टू माइनस होल टू माइनस वाई, ये सूत्र रहेगा, याद रखना, कोई टेंशन ना लेना एक भी पैसे का। आगे बढ़े, अब ऐसे भी मैं बहुत तेज नहीं बोलूँगा, तेज बोलने से अपना ही ए और बी निकालेंगे बेटा। तो इसको यक्स वन मान लो भैया, इसको वाई वन, इसको यक्स टू, तो इसको वाई टू, बात पक्की। यहाँ से यक्स टू का मान बोलो क्या है जल्दी से, मान यहाँ पे छः रखेंगे क्या है, वहाँ से आ जाओ पाँच, ये पाँच वाई टू, तो वाई टू का मान क्या है, वाई टू का मान है फोर माइनस, ये वाई वन वहाँ से ले लो, माइनस का दो है भैया, माइनस का दो है बाबू, जब ये माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, अब समझ लो मैं फिर काहे को लिखूं, एक लाइन और बढ़ जाएगा। एक्चुअली ऐसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा ना, क्योंकि तो जो है वो माइनस में दिया है, इसलिए ऐसे बनेगा, मैंने डायरेक्टली लिखा, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे एक गया परिचय में, पाँच गया, वन हो जाएगा, ये वन का स्क्वायर और प्लस ये फोर टू सिक्स का स्क्वायर। फाइनल में अगर हम बात करें कि अंडर रूट 37 आएगा भाई, अंडर रूट 37 आएगा बाबू, 37, ठीक है, डन। यानी जो हमारी एक इसमें क्या कमान आया कि अंडर रूट 37 आए। इसी प्रकार से हम बी सी और फिर ए सी भी निकाल लेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, मैं आगे बढ़ूं, देखिए अगला आ सके आपके सामने। चलो भाई जल्दी करो, चुप रो करके स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट नंबर, हाँ ध्यान दीजिए और देखते जाइए फटाफट, जल्दी जल्दी से। देखिए कुछ थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा अब, ठीक है, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। मैंने ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालना है, इसको एक्स टू वाई टू माना है, इसको एक्स वन वाई वन मान लो, अब इन दोनों को निकालना है। यहाँ पर आप लिखो बी सी, सूत्र वही लगेगा, तो फिर से लिख देता हूँ, अगली बार नहीं लिखू, ये फार्मूला होता है, याद रखना इसको। फिर देखिए x2 का मान बोलो जल्दी से क्या है, तुम्हें बोल दो चचा, है ना x2 y2, तो x2 का मान 6 है, y2 का मान 4 है, x2 का मान यहाँ से, x1 का मान यहाँ से ले लो 7 है, ब्रैकेट बंद हो ले, प्लस y2 का मान यहाँ से ले लो 4 है, और माइनस है बीच, y1 का मान माइनस दो है, याद रखना माइनस दो है, ये भी माइनस है, इसलिए प्लस हो जाए, ठीक है। अब इतने बच्चे तो हो नहीं, कक्षा 10 में पहुँचे हो, अगर ये इतना बेसिक नहीं आता है तो आप जीरो लेवल देखिए रात 9 बजे, ठीक है, बेसिक वाला। इसके अलावा शाम 5 बजे से जीरो लेवल से इंग्लिश का क्लास भी चल रहा है, बिल्कुल शुरू पढ़ो घर बैठे प्यार से, ठीक है, ओके। चलो तरह से इसको घटाएंगे तो ये वन का स्क्वायर हो जाएगा, इसको जोड़ दो 4 2 6 स्क्वायर, फाइनल में ये कितना हो जाएगा बाबू, ये 1 और ये 6 का स्क्वायर 36, यानी अंडर रूट 37 आएगा। 37 ये भी आया था, ये भी 37 आया, अगला निकालना ही नहीं,
कोई मतलब नहीं निकालने का। क्वेश्चन में कह रहा था क्या, क्या कह रहा था, आगे आ जा भाई क्वेश्चन। ए रुक जा, क्वेश्चन कौन सा था जो भी ये सामने है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये जो दिए गए हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या आगे लिखिए, क्योंकि दिए गए तीनों शीर्ष बिंदुओं से, तीनों शीर्ष बिंदुओं से हमने जो त्रिभुज बनाया, त्रिभुज बनाया उनमें से, सॉरी जो त्रिभुज बनाया उसके आगे काट के लिखना, जो त्रिभुज बनाया उसमें दो भुजाएं आपस में बराबर प्राप्त हो रही हैं, अतः दिए गए ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, अतः दिए गए ये शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, हो गया क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग घर से होमवर्क करेंगे, फाइव नंबर आप घर से कर लोगे सभी बच्चे किसी, तो 6 नंबर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, 5 नंबर आप कर लेना, 4 नंबर मैंने बता दिया है, 6 नंबर मैं आपको दिखाऊंगा लैंग्वेज में, फिर हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, सब कुछ मस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर आप देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इंग्लिश दिखा दूंगा। कह रहा नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाई द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर आंसर। कहने का मतलब ये है कि जो ये पॉइंट दिए गए हैं किस प्रकार का चतुर्भुज बन सकता है, किस प्रकार का क्वाड्रेटरल बन सकता है, ये आपको बताना है। और अगर कोई बन सकता है तो वो किस प्रकार होगा ये लिखना होगा, कि इन बिंदुओं से दिया गया जो पहला चतुर्भुज बनेगा वो समबाहु होगा, सॉरी समबाहु नहीं, वर्ग होगा, आयत होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समलंब होगा, क्या बनेगा ये बताना है। ठीक है, चलिए फिर छठा क्वेश्चन कर लेते हैं, पांचवा आप लोग घर से होमवर्क कर लेना। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई है तो बताइए, उत्तर के लिए कारण भी लिखिए, ऐसा आपने क्यों लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने छठवा दिख रहा है, तो प्यारे बच्चों हम एक काम करेंगे, तो चारों बिंदु दिए गए ना, इन चारों बिंदुओं से हम एक मतलब चतुर्भुज का निर्माण करेंगे और फिर देखेंगे कि उस चतुर्भुज की क्या दशा है। अगर उसमें दोनों सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती तो हम कह देंगे वर्ग है, आयत है, रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की अपोजिट एंगल इक्वल होती हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर आएंगी तो हम कह देंगे वर्ग है। इसी तरह से कंडीशनें जैसे भी होंगी वैसे बताएंगे। तो फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हूँ, ध्यान देना, फर्स्ट में है -1, -2, 1, 0 और -2, और एक है बेटा इसमें -3 और 0। ये आपके चार बिंदु दिए गए हैं, की सहायता से हम एक चतुर्भुज बनाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या है ये, क्या इनको मान लेंगे। चाहे तो आप एक बार लिख लो नीचे एक लाइन, मैं तो नहीं लिखने वाला हूँ, लिख लो आप लोग माना। माना लिखने के बाद ए लिखना, ए के आगे ये पॉइंट लिख दे, बी लिखना, बी के आगे ये पॉइंट, सी के आगे ये, और डी के माना लिखने के बाद लिख लेना। ठीक है, फिर देखिए ये क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कह रहा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी लिखिए। अगर आप बता देंगे कि पहले वाले से चतुर्भुज वर्ग बन रहा है, वर्ग क्यों बन रहा है ये भी बताना पड़ेगा, नोटिस है, कारण बताओ। चलिए ठीक, अब क्या करेंगे, दिए गए बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार के लिए हमें प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की जो है वो क्या निकालना होगा, दूरी निकालना होगा। ठीक है, एक बार हम ए भी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, एक बार सी डी निकालेंगे, एक बार ए डी निकालेंगे। इस तरह से जब हमें मिल जाएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए साथियों यहाँ से हम सबसे पहले ए भी निकालेंगे। आप सभी को दिख रहा है क्वेश्चन, मैं हटा देता हूँ।
फिर बाबू यहाँ पे देखो डालूंगा तरह से आपका आएगा, जैसे लिख रहा हूँ ऐसे आप एग्जाम में भी हाँ तरीका बोलता हूँ कैसे लिख को भी सुनते जाओ, कोई पर नहीं काटेगा परीक्षा में, ढंग से लिखना है। ये लिखना ए बी बराबर जो मैंने अभी बात बोला था स्टार्टिंग में, लिख लेना, लिखने के बाद तब इसे बनाना है। क्या बोला था सुने हो ना, दिए गए बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार को ज्ञात करने के लिए पहले हम प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर आगे क्या इतना लिख लो बस ज्ञात करेंगे। ये भैया हो जाएगा एक्स वन वाई वन, तो हो जाएगा बाबू आपका एक्स टू वाई टू, एक्स टू और वाई टू ध्यान रखना। एक्स टू का मान यहाँ से वन हो जाएगा और एक्स वन का मान यहाँ से माइनस वन हो जाएगा, ध्यान देना ये माइनस वन है, ये सॉरी ये माइनस पहले से है इसलिए प्लस हो जाएगा। वाई टू का मान यहाँ से अगर आप देखो तो वाई टू का मान जीरो है, वाई वन का मान यहाँ से माइनस का दो है, माइनस का दो और ये माइनस मिला के हो जाएगा प्लस, किसी कोई आपत्ति नहीं। वन प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा मतलब फोर, इसमें दो जुड़ेगा जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो ही रहेगा स्क्वायर हो जाएगा फोर, फाइनल में आपका अंडर रूट आठ आएगा। अंडर रूट आठ का मतलब जानते हो भाई साहब, दो इंटू अंडर रूट दो होता ना बाबू, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन, लेकिन आप बहुत ही ध्यान से देख है। हाँ चलिए इसका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमें चार बिंदुएं निकालनी है, अब इनको लिखते भी चलो साथ में, यहाँ पे लिखो यहाँ पे सब इकट्ठा हम लिख लेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे। ये ए बी का मान आया है तरह से, अब हम बी सी निकालेंगे, रोक करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं मिटाऊंगा चूंकि सभी को निकालना है बस। क्लियर है क्या, ये हो गया बाबू। अब बी सी निकालोगे तो यहाँ पे बी सी हो गया, याद रखना बी और सी, देखो बी और सी यूज करेंगे, ए का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर ये एक्स टू वाई टू है, इसको एक्स वन वाई वन मान, एक्स वन वाई वन इसको मान लीजिए, चलिए मान रखिए एक्स टू यहाँ से ले लीजिए वन, एक्स वन यहाँ से ले लीजिए माइनस वन, तो माइनस वन और ये माइनस हो जाएगा प्लस। फिर वाई टू का मान यहाँ से ले लो बाबू जीरो, माइनस वाई वन का मान यहाँ से ले लो दो, ये होल स्क्वायर। फिर वन प्लस वन यानी दो का होल स्क्वायर यानी फोर, और ये जीरो जब माइनस दो घटेगा तो क्या होगा भाई, माइनस दो ही रहेगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस दो का होल स्क्वायर फोर, फाइनल में ये भी उतना ही आ रहा है यानी टू इंटू अंडर रूट टू, आप कह सकते हैं ये कितना आया टू रूट। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि बी सी बराबर भी क्या है भैया, टू अंडर रूट टू दिया है, लिख लीजिए जल्दी फटाफट करिए। जो बच्चे कमेंट के पीछे पढ़ रहे हैं बाबू, जब तक लाइव चल रहा है तब तक मैं किसी का नाम नहीं बोलने वाला हूँ, सिर्फ पढ़ाई करो ठीक है, लाइव क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट करोगे तो मैं कमेंट देखूंगा, अभी नहीं देखने वाला, सिर्फ पढ़ाने दो, कोई बात नहीं, बातचीत नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। संतोष कुमार कमेंट आ रहा तुम्हारा, रोहित, प्रियंका, मनोज, शोभित और कौन है रौनक, सबका कमेंट आ रहा है, शांत रहो पढ़ाई करो। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी निकालेंगे बाबू ठीक है, चलो इसको रोक करके लिख, ये रोक करके लिखो। अब हम क्या करेंगे, सी डी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। चलो बी सी हो गया, अब सी डी, सी डी देखो ये एक्स वन वाई वन है, एक्स टू वाई टू मान, एक्स टू का क्या माइनस, यहाँ पे माइनस है, एक्स वन का मान ले लो बाबू, देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है का नहीं, हमें सी डी निकालना, याद रखना, तो यहाँ पर भी सी डी
जरूरी है भाई, हमारे कॉपी में जगह कम है इसलिए हम एक ही जगह पे लिख रहे हैं, इसलिए मिटा रहे हैं। अपन की कॉपी में जगह ज़्यादा होगी तो आप मिटाना थोड़ी है आपको, आपको तो इसको अलग निकालना है, उसको अलग, उसको। चलो सी और डी, हमें इसको लेना है, इसको लेना है, इसको यूज नहीं करना, इसको भी नहीं यूज करना। तो एक्स टू इसमें से लेंगे माइनस का 3, एक्स वन माइनस का 1 है, तो बेटा माइनस का ये 1 और ये माइनस सूत्र वाला मिला के प्लस का 1 हो जाए होल स्क्वायर। वाई टू का मान 0 है और वाई वन का मान 2 होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई लफड़ा नहीं, ये लाइन थोड़ा सीधा खींचा करो, हमारे में जगह नहीं इसलिए थोड़ा तिरछी हो जाती है। ठीक है, क्लियर। चलो अब क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस प्लस घट जाएगा बाबू, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये भी माइनस 2 हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर। फाइनल में 2 × 2 = 4, ये भी 4 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं अंडर रूट 8 आएगा। और ये तो तुम्हें सबसे पहले से पता है, जिंदगी भर पहले से, ये 2√2 आएगा। ठीक है, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये भैया संयोग ऐसा है कि ये सब बराबर आ। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। हो गया, वीडियो को रोक करके लिखा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अभी तो चचा ए बी बी सी और सी डी निकला है, अब डी ए निकालेंगे या ए डी निकालेंगे। चलो भाई चारों निकालना है ना, चार भुजा होगी तब तो हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। चतुर्भुज की बात हो रही है, क्वाड्रेटरल की बात हो रही है, एक बार क्वेश्चन दिखा दूंगा आप बोली भी ज्यादा समझ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि कोई है तो बताइए क्या है प्रकार का चतुर्भुज है, कारण भी बताइए। चलिए अब हमें इसको यूज करना है भैया, तो नहीं करना बाबू, हाँ ठीक भी नहीं करना, ध्यान देना हमें ए डी निकालना, पर हम ए डी ही लिख, तो एक्स टू का मान यहाँ से यूज करेंगे माइनस का 3 और ये यहाँ पे माइनस है, ठीक। एक्स वन का मान यहाँ पे माइनस 1 है भाई, माइनस प्लस हो जाएगा बाबू। वाई टू का मान यहाँ से यूज करोगे वाई वन यहाँ से माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस में है और भी माइनस में, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये माइनस प्लस घट जाएगा बाबू, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल में आपका अंडर रूट वैसे ही रहेगा जैसे पहले था कल परसों में, ये वर्ग हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4 जुड़ेगा 8 हो जाएगा, अंडर रूट 8 यानी 2√8 नहीं 2√, क्लियर, यानी हम कह सकते हैं कि ए डी भी कितना आया है उतना ही आया। अब तो कोई अंधा आदमी भी बता देगा अगर चारों भुजाएं बराबर आई तो ये प्रकार का चतुर्भुज होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया डन, चलिए अब किसी को कोई डाउट नहीं रह गया होगा, वो मुझे पूरा उम्मीद है। अब नीचे आप एक चतुर्भुज बनाइए जैसे यहाँ पर दिया गया भुजाएं उसी आधार पे, देखिए कोई ऐसी लंबाई तो इसमें दी नहीं गई कि जिसे मैं बता दूं तुम पटरी से बना लो, हाँ 2 × √2 नाप का तो कोई ऐसा नाप आप जल्दी से आसानी से बना नहीं पाओगे। अंजाद करके आप एक ऐसे चतुर्भुज बना सकते हो नीचे कि चारों भुजाएं आपस में बराबर दिखनी, हाँ ऑल साइड इक्वल। आप नीचे लिखोगे इसको बनाने के बाद, लिख लो भैया लिख, तो बनाने के बाद नीचे लिखो, देखो समझो, हमने ए बी निकाला था, क्या आया था बी सी, बी डी निकाला था, नहीं बी डी नहीं निकाला था, बी सी भी निकाला है ना, सी यहाँ लिखो तब मजा आएगा, यहाँ डी लिखो, ठीक है बी सी निकाला था, बी सी देखो 2√2 आया है, सी डी निकाला था कहीं, हाँ सी डी वन निकाला था 2, ए डी निकाला था, चारों है ना। नीचे आप लिखिए चूंकि चूंकि ए बी बराबर बी बराबर सी बराबर ए डी,
अतः अतः किए गए बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार एक वर्ग होगा। किए गए बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार एक वर्ग होगा। क्लियर? क्या होगा बेटा? एक स्क्वायर होगा, बिकॉज आल जो भी इसमें साइड्स हमें फाइंड होते हैं वो सभी इक्वल आ रहे हैं, इक्वल है ना। आप लिखोगे क्या होगा? एक वर्ग होगा। इस तरह से आप छठा क्वेश्चन फाइनल कर चुके हैं। सातवां क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, सातवां क्वेश्चन नंबर सातवां आपके सामने आ चुका है। सातवां नंबर आप ध्यान रखिएगा। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 7.1 चल रहा है। आपको याद दिला दूं मैं, सोचा इसलिए मैंने बताया। साथियों कहता है कि यक्ष अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, -9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, यानी इक्विडिस्टेंट है। इंग्लिश में क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, सीबीएसई बोर्ड का जितना बचवा होगा वो ध्यान से पढ़ेगा टकाटक। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -2, -5 एंड -2, -9। यानी यक्ष अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, -9 से समान दूरी पर है। ये यक्ष डैश अक्ष होता है, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं। ये वाई डैश अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है जो भाग्यशालियों को नजर आता है। हमने मान लिया कि भैया यक्ष अक्ष तो यही है, तो इसमें मानेंगे तो उसी पे मानेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी के घर में जाके मानेंगे, मानेंगे तो यही। तो हमने यक्ष अक्ष पे ये दोनों बिंदु मान लिया। पहला बिंदु का नाम कौन सा है? अरे बिंदु ये जो दिया है वो बिंदु नहीं जो तुम सोच रहे हो, जो दिया है ये 2, -5 और ये -2, -9। ठीक है, ये दोनों बिंदुए हैं, इनको मैंने मान लिया ए है। ये क्या है? बी। तो कह रहा है यहां पर कोई एक बिंदु है जिसका मान ज्ञात की, एक ऐसा पॉइंट यहां पर है जिसका मान निकालना है। मैंने इतने कॉन्फिडेंस से कहे कहा कि यहाँ पे है, कि कह रहा है कि यक्ष अक्ष और वाई एच दोनों से समान दूरी पर है। जरूरी तो नहीं है चाचा कि इसके बीच में रहेगा, ये यहाँ भी हो सकता है समान दूरी पर, यहाँ भी हो सकता है। कुल मिला के जहां भी रहेगा समान दूरी पर, जो भी है कहीं भी जाइए। हाँ लेकिन कह रहा है यक्ष अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, यक्ष अक्ष पर ही ज्ञात करना है, तब यानी कि वो इसी पे रहेगा, कन्फर्म है। अगर हम यहाँ कहीं निकाल देंगे, यहाँ कहीं, तब तो यक्ष अक्ष से भटक गया वो, तो इसी पे होगा, कन्फर्म है, क्योंकि यक्ष अक्ष पर ही निकालने को बोल रहा है। चलो ठीक है, बात पक्की। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब बाबू? इनके दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, और जो दूरी आएगी भाई, चलिए देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यक्ष अक्ष पर जो ये बिंदु होगा, हमें कोई ऐसा मान तो निकालना नहीं कि इनके बीच की दूरी निकालने, 28 आ गया, 32 आ गया, वो हो जाएगा नहीं। जो भी इस पे होगा वो 2 में होगा, भुज और कोटि के रूप में, चाहे 5, 7 हो जाए, 1, 2 हो जाए, 0, 3 हो जाए, ऐसे कुछ होगा। लेकिन याद करो चच्चा, मैंने पढ़ाया था कि यक्ष अक्ष पर वाई का मान हमेशा 0 होता है, और वाई अक्ष पर यक्ष का मान हमेशा 0 होता है। तो ये चूंकि यक्ष अक्ष पे बात हो रही है, इसलिए हम मान लेते हैं कि इसका जो निर्देशांक है, इसका नाम पी रख दीजिए, तो मान लेते हैं कि यक्ष का मान 0 है, तो कोई बुराई नहीं है, मान लिया। क्यों माना? क्योंकि यक्ष अक्ष पर है, इसलिए मैंने भुज को तो यक्ष मान लिया, और वाई तो हमेशा 0 होगा यक्ष अक्ष पे। यहां पे कहीं भी वाई का मान लोगे चाचा, हमेशा 0 होगा, कहीं भी वाई का मान लोगे हमेशा 0 होगा। लेकिन जो यक्ष अक्ष पे है उस पे वाई 0 होगा। अगर यहाँ कहीं हम लेंगे तो वाई कामा 0 नहीं, गलत है। अगर तुम वाई कामा 0 लिखे, ये दूर गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें भुज तो वाई हो गया, कोटि 0 हो गया, नहीं, भुज हमेशा यक्ष होता है। इस पे क्या होगा? यक्ष 0 होगा, यानी 0, y आप लिख सकते। मैं पहले बताऊँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा बेसिक, ठीक है। हाँ, यक्ष अक्ष पर हमेशा वाई का मान
जीरो होता है, और वाई अक्ष पर हमेशा एक्स का मान जीरो होता है। चलिए कहानी बहुत मस्त चल रही है गुरु, आ जाओ फटाफट। चलो ठीक है, क्या करेंगे समझना। इसको तो मैंने मान लिया, काम हो गया खत्म। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को लेकर के क्या करेंगे, इनके बीच दूरी निकालेंगे। आगे लिखिए आप लोग, के बीच की दूरी निकालोगे, क्या निकालो, ये निकालोगे और ये। हाँ चलो लिखो, यानी अब हम पी ए और पी बी निकालेंगे, दोनों क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको मिटा दूं या नहीं, इधर जगह है ना, लिख लेंगे, आ जाएगा इतने में। क्या लिखिए आप प्रश्नानुसार, यहाँ मैं प्रश्नानुसार क्यों लिख रहा हूँ अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन बताऊंगा तब। प्रश्नानुसार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कह रहा है कि वो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, यानी क्या है, ये जो आएगा पी ए वो पी बी के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये पूरी पूरी ए बी लाइन 10 है तो ए पी 5 होगी और पी बी भी 5 होगी। बोलो होगी कि नहीं, सोचो, अगर ए से बी तक की दूरी 10 मीटर है, मान लो, सपोज करो, मैथ के स्टूडेंट हो, मान के काम चलाते हैं, चल जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, मानते हैं, मान लिए, चलो ए बी की दूरी अगर टोटल 10 है, ए पी 5 है और ये पी क्या 5 है, ये मानना पड़ेगा क्योंकि समान दूरी पर, अगर ये समान दूरी पर है चाचा तो इनको हम ऐसा भी तो मान सकता हूँ पी के बराबर। तो पी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी ए निकालो या ए पी निकालो, बात एक है हुई। तो एक को एक्स वन वाई वन मानो, एक को एक्स टू वाई टू मानो, फटाफट मानो, मानो देर ना करो। चलो यहाँ से शुरू है, इनको मानो एक्स वन वाई वन, को मानो एक्स टू वाई टू, चलो निकालो। तो सूत्र वही लगेगा जो अब तक लगाते आए हो, फिर मिटा दूं क्या भाई, जगह कम है लगा, हाँ लिखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा लिख के, का जगह कम लग रही है भाई, तो मैं क्वेश्चन हटाऊं तभी हो पाए। देखो ठीक है, मतलब आप समझ लो, ये चीज़ मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, आंसर आ जाएगा, फिर हटाऊंगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, कम है यहाँ पे जगह, अभी खरीदनी पड़ेगी। ये चीज़ मैं यहाँ ऊपर बना दे रहा हूँ, मेन लाइन जो हमें करना था, ये माइनस दो, दो का मान पाँच, एक्स का है, मेन जो पॉइंट है वो मैंने बना दिया है, बाकी मैं इनको मिटा देता हूँ, जो आंसर आएगा वो सबके सामने। अब हमें सिर्फ उसी का काम लगेगा जो मैंने ऊपर लिख रखा, बस बाकी किसी का काम नहीं लगा, यू डोंट वरी। चलो देखो ठीक, तो पी ए बराबर पी बी हमें दिखाना है भाई साहब, है तो पी बी बराबर पी ए कर लो, कोई मतलब नहीं है, एकदम सीधा सीधा ही लिखूं, नया नया हूँ। देर मैंने इन दोनों को क्या किया, आपस में बराबर कर दिया क्योंकि प्रश्नानुसार ये बराबर होंगे। अब इधर साइड में सूत्र लगाओ, तो सूत्र एक बार लिख देता हूँ, भले दो लाइन और हो जाए, एक्स टू माइनस होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन इक्वल, इसमें भी वही लगेगा, एक्स टू माइनस होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स वन वाई वन लेंगे, तो एक्स टू वाई टू, क्लियर ना बाबू, फटाफट क्लियर। चलो अब एक्स टू यहाँ से क्या है, एक्स है ले लो, एक्स वन क्या है, दो है ले लो भाई, धन वाई टू, वाई टू यहाँ से जीरो है, वाई वन यहाँ से क्या है, माइनस पाँच है, ध्यान देना। तो माइनस पाँच जो है वो माइनस वाला सूत्र और माइनस, ये दोनों मिला के प्लस हो जाए, तो किसी को कोई आफत नहीं, नहीं यहाँ ऐसे एरो लगाते जाओ, इनका मान भी रख लो भाई, इधर भी देखो, ये एक्स टू है वाई टू है, तो ये इसके लिए ये एक्स वन वाई वन है, याद रखना। अब हम चूंकि पी बी में आ गए हैं तो इन दोनों को यूज करेंगे कि आगे वाला छोड़ देंगे, तो एक्स टू यहाँ से लेंगे जो कि यक्स है, माइनस का
एक्स वन यहाँ पर ध्यान देना बेटा, माइनस का दो है तो माइनस सूत्र में भी है इसलिए प्लस हो जाए। नहीं समझ में आएगा बताना, टेंशन मत लेना। एक्स टू का मान यहाँ से देखो, एक्स से मैंने लिया, माइनस का चिन्ह था, माइनस लगाता मैं, लेकिन जो एक्स वन का मान है यहाँ माइनस दो था इसलिए माइनस माइनस प्लस। वाई टू का मान जीरो है, प्लस वाई वन यहाँ से नौ होल स्क्वायर, में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं। दोनों तरफ वर्गमूल लगाए बाबू, वर्गमूल के चिन्ह कैंसिल हो जाएंगे, वर्गमूल का चिन्ह दोनों तरफ है, जैसे हम वैसे तुम, बराबर, काम खत्म। आजम चलो आगे देखते हैं। अब ये एक फार्मूला है, बचपन में पढ़े हो, बहुत बचपन में पढ़े हो, बुढ़ापी बेरा आ गई, अब तो बचपन में पढ़े हो ना। अरे ये सूत्र याद कर लो, याद करा भैया, है ना, मालूम है। तो ये लगेगा यक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, का स्क्वायर मतलब दो का स्क्वायर, और माइनस मैंने लगा दिया फार्मूला, किस में लगा दिया, इतने में दौड़ा दिया। ए भाई चलो ना थोड़ा, चलो क्लियर बात पक्की, अभी ध्यान देना पूरी बात नहीं हुई। ये जीरो इसमें जुड़ेगा तो पाँच ही रहेगा, पाँच का स्क्वायर होगा तो पच्चीस। अब बराबर के नीचे बराबर, इसी फार्मूले का यूज इधर भी करेंगे, बाकी इधर प्लस वाला सूत्र लगेगा, माइनस वाला नहीं लगेगा, नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर मतलब दो का स्क्वायर धन दो ए बी यक्स उड़े, और धन ये नौ का स्क्वायर हो जाएगा अठारह। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, ए चचा नौ का स्क्वायर अठारह नहीं होता है, रात के ढाई बज रहा है इसलिए दिमाग सो रहा है, नौ का स्क्वायर इक्यासी होगा। चलो अब ये यक्स का स्क्वायर है, ये भी यक्स का स्क्वायर है, अगर ये इधर आएगा तो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों बर्बाद हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसी तरह से दो का स्क्वायर भी प्लस प्लस है, ये भी कट जाएगा, ये भी बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से चचा और का होगा, इन दोनों का गुणा कर लो तो माइनस का चार एक्स हो जाएगा, और ये भी गुणा होकर चार एक्स हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा चार एक्स। उधर साइड में 81 है वैसे रहने दो, ये 25 को उधर भेज दो, माइनस का 25 हो जाएगा तो घट जाएंगे तो 56 आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8x आ जाएगा, इधर x को छोड़ देंगे और ये घटा के 56 आएगा, इधर से 8 इधर को जाएगा, माइनस लेके जाएगा। भाई साहब नहीं कर रहा है, नेट में नीचे भी दिखा दूंगा, थोड़ा सा रुक, चलिए ठीक है नीचे दिख गया, यही देखना और कुछ मत देखना अगल बगल में। चलो तो ये कट जाएगा तो माइनस का सात आएगा, क्या आएगा, माइनस का सात आएगा, ठीक है, यानी यक्स का जो वैल्यू आ गया बाबू क्या आ गया, माइनस का सात आ गया। हम कह सकते हैं अगर ये यक्स का वैल्यू माइनस का सात आ गया तो वो जो बिंदु था क्या आया, माइनस सात कामा जीरो, माइनस सात कामा जीरो आया क्योंकि यहाँ पर यक्स का मान क्या था, माइनस सात आ गया। नीचे लिख दीजिए क्या लिखेंगे, तो लिख लीजिए फिर मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जल्दी करिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए नोट करिए, फिर मैं आगे दिखाता हूँ, क्वेश्चन देखो फिर बताता हूँ। चलो ये क्या लिखना है बता रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो कामा माइनस पाँच और माइनस दो कामा नौ से समदूरस्थ है। आप नीचे लिखो यक्स अक्ष पर वो बिंदु, लिखो एक्स अक्ष पर वो बिंदु जो माइनस दो कामा, सॉरी माइनस दो नहीं यार, दो कामा माइनस पाँच ना, एक्स अक्ष पर वो बिंदु जो दो कामा माइनस पाँच और एक्स अक्ष पर वो बिंदु जो दो कामा माइनस पाँच और माइनस दो कामा नौ से समदूरस्थ है वह माइनस सात कामा जीरो है। क्या है, माइनस सेवन कामा जीरो है, क्लियर बात पक्की, कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। साथियों अगला क्वेश्चन देख लो, फिर लगे हाथ आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर आठवां क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि वाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी
दो कामा माइनस तीन और q 10 कामा वाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, बहुत आसान है। वाई का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए भैया हो, इसमें जो q वाला है ना उसमें निर्देशांक देखो 10 कामा वाई लिखा है, वही आपको वाई निकालना है बस और कुछ। ठीक है, चाहे काल्पनिक ऐसे चित्र बना लो, ऐसे जरूरी तो नहीं बना लो तो अच्छा रहेगा। पहले तो इसको मिटाओ गंदगी जो ऊपर लिखा है, तो फिर बताता हूँ। चलो मैंने मिटा दिया है सारी। क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। एक लाइन खींच के इनके दो बिंदु बना देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। मैं दिखाऊंगा अभी कैसे हल कराऊंगा, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 8, एक लाइन खींचा दो बिंदु P है जिसका निर्देशांक 2 कामा माइनस 3 है, एक Q है जिसका निर्देशांक 10 कामा y, क्या है 10 कामा, ये तो है ना। क्या करने को बोल रहा है इसमें भाई, देख लो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेने दो मुझे। कह रहा है कि वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनसे क्या करने को बोल रहा है, हाँ जिनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो वाई का मान बताना है। ठीक है, आसान है, थोड़ा जूम कर देता हूँ फिर देखो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा भाई जूम कर दो और अच्छा दिखेगा, हाँ सुंदर दिखता है थोड़ा सा। चलिए समझते चलिए साथियों, इनके बीच की जो दूरी है ना बाबू, वो 10 दी गई है, 10 इकाई है ना, वाई का मान निकालना है। ठीक है, सीधी सी बात है, यानी हमें पी क्यू निकालना है, इसी में से वाई का मान आ जाएगा आंसर। चलिए ठीक, निकालिए। तो हम मान लेते हैं एक्स वन आई वन मान लेंगे, पर दिख तो रहा है ना, एक्स टू वाई टू मान लेंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं है। आप यहां से लिखोगे P बराबर, ये सूत्र लगेगा इसमें, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। भैया एक्स टू का मान रख दो बाबू वहां से 10 है, एक्स वन का मान यहां रख दो 2 है होल स्क्वायर, प्लस वाई टू का मान यहां से रखो तो वाई है माइनस वाई वन का मान यहां पर माइनस 3। क्लियर, पूरा बात पक्की, मैं किसी को कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ये घट जाएगा तो 8 आएगा, 8 का होल स्क्वायर करोगे तो 8 आई 64 आएगा, प्लस इसमें फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन 2ab। क्या पक्का, मैं कोई परेशानी नहीं किसी को, ध्यान देना है। कह रहा था कि इन दोनों बिंदुओं के जो 10 है, यानी पी क्यू का मान 10 दिया है बाबू, याद रखना, यहाँ 10 रखते जाओ, यहाँ 10 रखते जाओ, भूलना नहीं। तो भैया हो यहाँ जो इधर स्क्वायर लगा था, इस स्क्वायर को हटा के हम इधर क्या करेंगे, सॉरी इधर से वर्गमूल का चिन्ह हटा के इधर स्क्वायर लगा देंगे, बात बराबर। अब ये 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक लाइन और लिख लो, बढ़ा लो, 64 धन वाई का स्क्वायर धन 9 और धन 2 3 6y, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 100 जो है जिसे 100 बोलते हैं, तो है ना, ये दूसरी साइड जाएगा, तो भैया 64 में ये जुड़ जाएगा, 64 6 70 3 73, और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कुछ ऐसे बनेगा ये, क्या बनेगा ये देख लो भाई, वाई का स्क्वायर धन 6y। जब ये 100 इधर जाएगा, ध्यान देना, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है माइनस में हो जाएगा, ये 64 प्लस में था, ऐसे ही रहेगा धन 9 और माइनस ये 100। फिर ये सब जब जुड़े घटेंगे, बराबर में जीरो कर लीजिए क्योंकि हमने इधर साइड का सारा अंक खत्म कर दिया। इस तरह से साथियों हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, वाई का स्क्वायर धन माइनस का 27 मिलेगा। 27 इसलिए मिलेगा क्योंकि ये जब जुड़े घटेगा आप हल करोगे 27 आएगा।
उसके बाद हमें इसको हल करके इसके गुणनखंड करने हो। गुणनखंड करना हर किसी को आता है, आता है ना? ठीक है कर लीजिए, डोंट वरी। चलिए ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस ये दो धन तीन और ये वाई और वाई का स्क्वायर धन। अब देखो ये दो और तीन मुझे लग रहा है गलत है, दो तीन कैसे होगा भाई? ऐसी दो गिनती बताओ जिसको घटाने पर छह आ जाए, गुणा करने पर सत्ताईस आ जाए, तो नौ और तीन तो हो जाएगा शायद, दो और तीन तो होगा नहीं, तो नौ माइनस तीन हो सकता है ना, ये क्या होगा नाइन माइनस तीन। क्लियर? ठीक है, डोंट वरी डोंट वरी। आप लोग नौ में से तीन गया तो छह आएगा, नौ का तीन में गुणा होगा सत्ताईस, ये नौ का वाई में गुणा हो जाएगा नौ वाई माइनस वाई सत्ताईस फाइनल। इनमें आप वाई कॉमन ले लो तो वाई प्लस नाइन बचेगा, इसमें आप माइनस कॉमन ले लो तो वाई प्लस। क्लियर? तो ये वाई प्लस नाइन आपका एक आंसर हो जाएगा और वाई माइनस भी एक आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन देखो एक, फिर इसको फाइनल करूंगा। क्वेश्चन देखो एक बार भाई, आ जा जल्दी आ जा, क्वेश्चन नंबर आठ देखो क्या कहता है। आ जा आठवां नंबर आ जा भाई। कह रहा भाई का वो मान ज्ञात कीजिए के लिए बिंदु दो कामा माइनस तीन और दस कामा वाई के बीच की दस मात्रक है, तो वाई का वो दो मान हो सकता है। ठीक है, आप लिखिए वाई बराबर, इनको जब जीरो करोगे तो वाई बराबर एक माइनस नौ होगा एक तीन। आप लिखिए वाई का वो मान माइनस नौ या तीन हो सकता है, वाई का वो मान माइनस नौ या फिर तीन हो सकता है जिसके लिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दस मात्रक है। ठीक है क्लियर? तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका ये एक्सरसाइज 7.1 खत्म होता है। इसका 9 और 10 नंबर क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे और हम 7.2 अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी आप लोग इनके जो दो क्वेश्चन है उन्हें होमवर्क करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे बताना, वैसे आ जाएगा लगभग सबको आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, दिल से धन्यवाद। क्लास को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐप में देख रहे हैं तो ईमानदारी से देखें, नोट्स बनाएं और हाँ, जितना पढ़ाया गया उसे बहुत गहराई से पढ़ें। आगे की सारी क्लास बहुत जल्दी जल्दी अपडेट हो रही हैं, जितना पढ़ाया गया उसे तैयार रखें, लापरवाही ना करें जिससे बेइज्जती ना होने पाए। यार नाम होना चाहिए PVR स्टडी का ना, जितना पढ़े हो अभी तक जैसे चैप्टर 8 9 तक जो भी पढ़ाया गया सब उसे बहुत अच्छे से पढ़ लो। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर नंबर 12 बचा है उसी लिए रोते रहो,